भारत से बुरी तरह हारने के बाद बौखला गए इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर। हार के बाद जॉस बटलर ने रोहित शर्मा और भारत को लेकर दे दिया ये बड़ा बयान। दोस्तों, अगर आप भारत की जीत से खुश हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा, जॉस बटलर और बुमराह को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सेमीफाइनल में अपनी टीम की हार को देखने के बावजूद भी जॉस बटलर ने जो कुछ रोहित शर्मा और अक्षर पटेल और भारत की जीत पर कहा वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज उनके इस चौंकाने वाले बयान का वीडियो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपका क्या मानना है फाइनल में भारत और अफ्रीका में कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत बनाम इंग्लैंड की टीम के बीच गुनाया के मैदान में खेला गया। इससे पहले कि मैच शुरू होता मैदान में इतनी बारिश थी कि टॉस भी डिले हुआ, लेकिन मैच पूरा खेला गया। भारतीय क्रिकेट टीम की पहले बल्लेबाजी थी और पहली बल्लेबाजी का मतलब एक बड़ा टोटल, लेकिन कोहली और पंत को फेल होता हुआ देख रोहित शर्मा पर प्रेशर आ जाएगा ये सोचने वालों की सोच ही गलत थी। दोस्तों, रोहित शर्मा ने जैसी अपना 50 पूरा किया वैसे ही उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर में 5000 रन भी पूरे कर लिए। दोस्तों, रोहित शर्मा ने कुल 39 गेंदों में 57 रन बनाए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी 36 गेंद में 43 रन बनाकर आउट हुए और हार्दिक पांड्या भी 13 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए। कुल मिलाकर दोस्तों टोटल बना 171 और 172 का जब चेस करने की बारी आई तो हमारे गेंदबाजों ने इंग्लैंड की टीम को मुट्ठी में बांध के रख दिया। दोस्तों, गेंदबाजों में सबसे पहले जादू बापू ने दिखाया, यानी कि अक्षर पटेल, जिन्होंने जॉस बटलर को 23 के निजी स्कोर पे पंत के हाथों कैच आउट करवाया। इसके बाद दोस्तों बुमराह ने फिल सॉल्ट की गिल्लियां उखाड़ दी, वो भी केवल 5 रन पर, और फिर से अक्षर पटेल ने स्ट्राइक करते हुए मोइन अली और जॉनी बेस्टो को आउट कर डाला। दोस्तों, फिर क्या होना था, विकेट्स 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 गिरते चले गए और हम इस मैच को जीतते चले गए। दोस्तों, मैच को पूरे 68 रनों से जीता गया और इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। ये सब कुछ रोहित की उम्दा कप्तानी, बल्लेबाजी और अक्षर की शानदार गेंदबाजी के दम पर ही हुआ। लेकिन दोस्तों, सेमीफाइनल में अपनी टीम की हार और भारत की जीत को देख करके जॉस बटलर ने जो कुछ रोहित शर्मा की कप्तानी और अक्षर और बुमराह की गेंदबाजी पर कहा वो सुन के आपके मन में भी जॉस बटलर के लिए इज्जत आपके दिल में 100 गुना तक बढ़ने वाली है। आज दोस्तों सेमीफाइनल में हार के बावजूद जॉस बटलर का कहना था, देखिए ये सेमीफाइनल मुकाबला था, कोई लीग मुकाबला नहीं था, प्रेशर दोनों टीमों पर था, ऊपर से बारिश ने पिच को बिगाड़ कर रख दिया था, तो जीतना तो उसे ही था जो बेहतर प्रदर्शन करता। इंडियन क्रिकेट टीम के हमने अर्ली विकेट जल्दी ले लिए लेकिन मोमेंटम नहीं बना पाए और रोहित ने क्या उम्दा बैटिंग करी, उनसे तो आज मैंने बहुत कुछ सीखा। प्रेशर भरी सिचुएशन में कप्तानी और बल्लेबाजी को उनसे कोई करना सीखे, उनके बल्लेबाजी से ही टीम में इतना जोश आया कि वो 171 रन तक बना पाए और मुझे लगता है कि इस पिच पर ये एक बहुत बड़ा स्कोर है। और दूसरी इनिंग में इतनी खतरनाक स्विंग हो रही थी कि तेज गेंदबाजों से ज्यादा एडवांटेज तो स्पिनर्स को मिल रहा था, जिसका अक्षर और कुलदीप ने भरपूर फायदा उठाया और हमारे विकेट जल्दी निकाल लिए। ये एक प्रॉपर टीम एफर्ट था। हम हार गए हैं, वो जीत गए हैं और यही सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई में मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम वाकई में डिजर्व करती थी। अब फाइनल में जब भारत अफ्रीका आमने सामने होगी तो कौन जीतेगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।